अपने गुरुदेव का मारा सावन कृपाल का धन्यवादी हाँ, जिन्होंने साढ़े तबदे दिलानी खातर आपका शांति देश सचखंड छड़िया इंसानी जामे में आया वो जामा जेड़ा दुखा बीमारिया का खोल है। सानू पता ही है कि ये अज्ञानता बस भवे असी कह दिए कि असी सौखे हैं, पता नहीं इसकी कद कोई चूल विगड़ जानी है, कद दुखा ने आके घेर लेना है, कद दुखा का पहाड़ आके टुट पैना है। सिर्फ महात्मा साढ़े जीवन की खातर संसार में आते हैं। सच्चा धनबाद उन्हें महापुरशों का असं अंदर जाके ही कर सकते हैं। जवान ने कह लेना कोई होर बात है, बड़ा आसान है, लेकिन अंदर जाके वो सच्चाई में खुद देखना, सच्चाई में प्रगट करना, सच्ची समझ उत्थे जाके सानू आती है। संत महात्मा की अपनी कोई कर्म नहीं हुंदा कि जिहड़ा भोगण वास्ते आउंदे है, कोई उन्हां दी इच्छा नहीं हुंदी। गुरु गोबिंद सिंह ने भी कहा कि मैं दो तो एक रूप हो गया सी, मेरा दिल नहीं संसार विच करदा सी आउण नूं, लेकिन उस प्रभु का हुक्म मैं मोड़ ना सकिया, जो उहदा हुक्म सी मैं उही संदेश आके दुनिया नूं दिता है, आत्मा नूं दिता है। सब संत ऐसे परवाने लेके ही संसार में आउंदे है। महाराज सावन सिंह नूं किसे वक्त रात का टाइम सी, उन्हां दी सेवा विच महाराज कृपाल डॉक्टर ज्ञानचंद हाजिर सन। गल्लां गल्लां विच चल पिया, कहन लगे देखो भी प्यारे, असीं जद भी संसार विच आउंदे हैं उस मालिक का परवाना लेके आउंदे हैं और अपना सताप भी नाल ही लैंदे हैं। जब साडा एक पास कम पूर्ण हो जाता है सानू दूजे पासे भेजा जाता है तो आप मुक्त होंदे हैं। सानू मुक्ति दिलाउण वास्ते उह संसार विच आउंदे हैं, वो मन इंद्रियां के कैदी नहीं होंदे ने, वो आजाद पुरश होंदे हैं। जेल के अंदर डॉक्टर भी जाता है, जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो भी जाता है, लेकिन वो आजाद होंदे हैं। जब मर्जी आन जान उन्हां वास्ते इत्थे कोई मुशक्कत नहीं, लेकिन कैदी की हालत का कैदी नूं ही पता है। सो असी 84 लाख जिया जून के अंदर कैदियों की तरह भटक रहे हैं, कभी उच्चियां जूना है, कभी नीवियां जूना है, कभी बैल बन के दुख उठा रहे हैं और कभी असी इदों भी निचले जूना जाके कष्ट उठाने हैं। होर तो होर इंसान के जामे में असी अगर कंघी मार के देखिए कितने कि असी सुख हासिल करते हैं। सो संत महात्मा सानू इस संसार विचों कढ़न वास्ते आते हैं, वो परोपकार वास्ते आते हैं। जन परोपकारी आए जिया दान दे भगती लैन हरसो लैन बुलाए। अगर कोई सच्चे तो सच्चा रिश्ता है संसार में वो गुरु और सिख का है। जितने संसार के रिश्ते हैं सारे ही गर्ज के बधे हुए हैं, आपो अपनी गर्जा के नाल असी प्यार करते हैं। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि अपने ही हित सो सब लागे क्या बारा क्या मिलता है। सब आपो अपने हित की खातर मतबल की खातर एक दूजे के नेड़े लगे हुए हैं, चाहे औरत है, चाहे पुत्र है, चाहे माँ बाप है, सब का आपो अपना मतबल है। जब वो मतबल पूरा होने हट जाता है वो ही अपना इंसान पराया नज़र आता है। संत आके की करते हैं, वो अपनी जिंदगी का दान दिता है। मैं एक कहानी सुना हुंदा है कि कोई सेवक सी संतां दे पास सदा ही जांदा,
ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਔਰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਮਨ ਨੇ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਕੌਣ ਲਵਾਵੇ ਬਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਅਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਕਰੇ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਮੂਰਛਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਰ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਧੋਤੇ ਉੱਠ ਖੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਗਏ। ਆਖਰ ਉਸ ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਈ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੈਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਸੈਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਊਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਆਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਪਾਣਾ ਸੀ ਨੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਨ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਤ ਔਰ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੋਤ ਨਾਦ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ 6 ਚੱਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਦਾ, ਮੂਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਧਨੀ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ, ਇੰਦਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਧਨੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਧਨੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਧਨੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਔਰ
कांच चक्कर का धनी दुर्गा माता है और साड़ी जो आत्मा की सीट है ये दोनों अखां के पीछे है। जो भी लोग आपके सेवकों सदा ही पहला वो मूल चक्कर तो अभ्यास शुरू कराते हैं ये बड़ा लम्मा कोर्स होता है। सानू पता है कि पिछले युगों में उम्र लोगों अच्छी सन लंबिया सन सेहत अच्छी सन और लोगों के ख्याल भी ज़्यादा नहीं फैलते सन। लोग थोड़ा बहुत टाइम लाते थे कोई कामयाब होया कोई ना होया फिर भी बाकी उम्र का हिस्सा होंदा सीगा कि जिहड़ा शब्द नाम की कमाई कर लेंदे सन। लेकिन पहुँचते किते सी दोनों अखां के दरम्यान आ गया चक्कर ते सारी जिंदगी हड्डियां का ढेर हो गए बड़ा कुछ किया लेकिन इत्थे आके सानू पता ही है कि असी आज की टेंपरेरी विषय विकारां दे उत्ते जित हासिल कर लेने हैं। तो संत कहते होंगे कि जवानी अद्भुत वैर करन नाल जे असी कहीए कि मन वस आ जाएगा आउंदा नहीं गा। इस तरह जे कोई कहे मैं पोथियां पढ़ लिया या मैं कविता लिख ली है या किताब लिख ली है अच्छी मैं शायद मन जित लिया है या मैं विषय बकारा तो ऊपर उठ खड़े हैं ये सिर्फ साडे मन का ही साडे नाल धोखा है सिर्फ साडा मन ही सानू खुशी दे रहा है लेकिन सच्चाई इसकी उल्ट होंदी है। रिखिया मुनिया के तुसी इतिहास पढ़ लो पुराण पढ़ लो उन्होंने बड़िया ही मेहनत कीतियां ये नहीं सन कि वह कोई माड़े आदमी सन माड़ा आदमी इतनी मेहनत कौन कर सकता भाई नहीं उन्होंने बड़िया ही मेहनत कीतियां उन्होंने लगन सी लेकिन जिदे विषय बकारा ने झोंका मारिया वो हड्डियां के ढेर हो गए बेबस हो गए उस दे अगे हथ बन के खड़ गए। इस तरह मन ने सब की खिली उड़ाई है उसका वजह की सी कि उन्होंने कोई पूरा गुरु पूरा महात्मा ना मिलया जिहड़ा कि इस तो उपर जाण वाला सी। हुण तुसीं देख लो जिहड़ी इतनी मेहनत कर करके हजारों साल प्राणायाम के कष्ट सहार सहार के वो मसा ही तीसरे तल ते पहुंचे लेकिन संत पहले दिन ही नामदान के वक्त ही अपने सेवक नूं अपनी तवज्जो अपना उभार दे के वो जोत और नाद का अनुभव करा देंगे है। यही पूरे गुरु की पूरे संत की निशानी है। अगर वो सानू यह अनुभव जोत और आवाज का नहीं दे सकता गा तो वो अधूरा है क्योंकि शब्द बिना सुरत आंदरी कहो कहाँ तो जाए द्वार न जाने शब्द का फिर पटका खाए। जो रास्ता नहीं खुलिया महाराज जी कहते होंगे सी नामदान पा के ही इंसान कोई सत्संगी नहीं बन जाता गा ये तो सत्संगी बनने वास्ते पूंजी दिती जाती है सिख बनने वास्ते थोड़ी बहुत पूंजी दिती जाती है कि भाई हुण तू हिम्मत कर बता इस तो इस वास्ते संत की करते हैं वो अपनी जिंदगी का दान दे के अपना आभार दे के अपनी आत्मा का वो सानू नाम के नाल जोड़ते हैं शब्द के नाल जोड़ते हैं। सदा ही हर समाज के अंदर महात्मा आए और आते रहेंगे उन्होंने जो कुछ अनुभव अपनी जिंदगी में प्राप्त होए जेड़े उन्होंने संपर्क में आए उन्होंने भी वह अनुभव देते रहे और अपने ग्रंथों के वो अपनी तलीम लिख ली गए कि रुकावटां साडे अंदर आनिया हैं कौन ऐसा आदमी है कि जिहड़ा इस रुकावट नूं दूर कर सकता है। उसका नाम संत भी रख दिता गुरु भी रख दिता तो ना दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा गा। तो जदों उस समाज के अंदर अनुभवी पुरश ना रहे आलम ना रहे दुनिया भुल विच पई परमात्मा ने होर संत भेजे
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਜੋ ਤਲੀਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਖੂਹੇ ਖੋਦਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੰਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਨਪਵ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਵਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ, ਖੁਦ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰੋਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਰਜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਪੂਰੇ,
जो हर जगह व्यापक है, हर जगह भरपूर है। जब वही ताकत निचले मंडलों में आती है, उन्हें से सतगुरु कहने हैं दिव्य गुरु। जब वो देह धार के संसार में आता है, जिन्हों से गुरु कहने हैं, जो पादे का काम करता है, जिस तरह अध्यापक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाता है, वो आके सानू रूहानियत का पाठ पढ़ाता है, वो हलाशेरी भी दिंदा है, हौसला भी दिंदा है, वो साड़ियाँ गलतियां सत्संग के जरिए भी दसदा है, और साढ़े उत्ते साड़ी हालत में वेख के हंजू भी बहाँदा है। वो अंदर हमदर्दी अगर है तो कमाल भी है। इस वास्ते गुरु और सिख का जो रिश्ता है वो बड़ा ही निर्मल है, प्यार भरिया है, क्योंकि दुनिया है आपके मतबल न बजी हुई है, लेकिन गुरु और सिख का जो रिश्ता है ये प्यार का रिश्ता है, बड़ा ही पवित्र रिश्ता है। गुरु अगर सिख तो आस रखता है तो सिर्फ भजन सिमरन ही रखता है कि भाई तुसी भजन सिमरन करके लियाओ। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे हैं कि उपरोपकार वास्ते हुंदे हैं, आ मुक्त हुंदे हैं, आ मुक्त मुक्त करा संसार, वो संसार नूं भी मुक्त करदे हैं, आप भी मुक्त हुंदे हैं। जो मुक्त पुरश है उही सानूं मुक्ति दिला सकदा है। जिहड़ा आप ही मन इंद्रियां दा गुलाम है वो सानूं कित्थों दवा देगा। तो इस वास्ते बड़ी सोचण की गल है तुहाडे अगे गुरु नानक देव जी का छोटा जिहा शब्द रखा जाता है, बड़ा गौर नाल सुनण वाला है। तोर महला पहला पन्ना 598। इस जल नीत कारण तुम जाग आए महाराज कहते हैं कि प्यारे हो, जिस पानी की खातर, जल की खातर, अमृत की खातर तुसी संसार में आए हो, वो तुहानू किसी समाजों में नहीं मिल सकता। समाजा माड़िया नहीं, जिदे विच भी असी पैदा हुए हैं, अगर उन्होंने नियम भी असी देखिए, वो भी अच्छा इंसान बनाने का उपदेश कर दिया हैं। कोई समाज किसी कतलोगारत करने की इजाजत नहीं दिता गा, कोई लड़न भड़न की इजाजत नहीं दिता गा। हर समाज के अंदर प्रभु को पाने का ही उपदेश दिता जाता है। तो समाजा बुरिया नहीं, जब असं उन्होंने जकड़ा में जकड़े जाने हैं उदू पासे ही कुछ नहीं देखते गे, तो फिर असी बंधन के पै जाने हैं, असी उह परमात्मा तो दूर हो जाने हैं, सारी जिंदगी उसे रीति रिवाज के ही लगे रहते हैं। इसे गुरु नानक देव अर्जन देव जी महाराज ने कहा, कर्म धर्म पाखंड जो दिस है तिस जम जो वाती होता है। ये जितने भी तुसी चाहे नेक कर्म करते हो चाहे बुरे करते हो, कृष्ण ने अर्जन को कहा कि हे अर्जन, नेक कर्म और बुरे कर्म दोने ही जीव नूं बंधन का कारण बनते हैं। नेक कर्म सोने दियां बेड़ियां हैं और बुरे कर्म लोहे दियां बेड़ियां हैं, लेकिन बेड़ी चाहे सोने की है चाहे लोहे की है, सारा ही दुख का कारण है। ये बेड़ी वाले नूं पुछ लो, क्यों प्यारिया तू सौखा है, चाहे सोने की पाई हुई है चाहे होर पाई है। चंगे कर्मों का नतीजा असी चंगे घर पैदा हो जावांगे, अच्छी बुद्धि होएगी, तंदुरुस्ती ज्यादा होएगी, नौकर चाकर ज्यादा मिल जाएंगे, महल दे विच साडा बिस्तरा लग जाएगा, लेकिन उत्थे भी परेशानियां बीमारियां हैं, बुरे कर्म है तो असी गुलाम बन के आ जाने हैं, झोंपड़िया च रहना शुरू करते हैं, झाड़ू फेरते हैं सड़कों के उत्ते,
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਂ ਨੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਪਰਮਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਫੇਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲੱਗ ਚਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਪੀਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਤਾਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਸਥੂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨਾ ਮਾਹੇ ਪਾਈਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਿੰਨੀ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸੋ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦਿ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਗਾ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਪੀ ਲੈਣ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਖੂਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਾਢ ਪੀ ਆਪਣ ਹਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦੇਗਾ? ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮਨਮੂਤ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੋ ਮਿਲਾਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਦੇਖ, ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤਸੀਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਦੇ ਲੈ,
ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤਸੀਹੇ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਤਾਕਤ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਤਰਪੈਲ ਫੇਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਮਗਰੋਂ ਪਿਆਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵਾਓ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਭਗਵਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੀਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਪੀਓ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਡੋਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਰਿਖੀਆਂ ਬੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਵਜੀਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੋਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
तो अमरता ही हो सकता जी, अमृत मिल जाएगा तो अमर हो जाएगा, सदा रहेगा। तो संत वजीदा कहने लगे भी उसने अमृत की बार बड़ी खोज की थी, पहाड़ा च गया, जंगलों च गया, समुद्रा च गया, दरियावान च गया, उच्चे नीवे थां सारे उन्हें खोजे, लेकिन जिसकी खोज हो गए वो जरूर वस्तु मिलती है। साढ़े सतगुरु महाराज कहते हैं भुखे को रोटी प्यासे को पानी कुदरत का असूल है, जरूर मिल जाती है। तो इस वास्ते उसके हाथ अमृत आ गया। हुण काल ने सोचा कि इसकी तो बड़ी राक्ष बुद्धि है, हरेक मुर्ग के उत्ते धावा करता है, किनिया औरत बेवा होंगे, किन्ने बच्चे यतीम होंगे है, इन्हें तो होर भी कतलोबारत करना है। तो क्यों ना इसनों, क्योंकि काल के राज न्याय है, तो संतों का दरबार बख्शिश का होंगे है। न्याय दे विच की है, अख का बदला, अख जो कोई करता है उसका बदला चुकाना पैंदा है। सो इस वास्ते उन्हें एक ऐसे जंतु का स्वरूप धारण किया जिहड़ा बड़ा ही कुचील रूप सीगा, और खून शरीर चो वग रहा सी, मोरियां शरीर विच हो रही सन, उधर उन्हें भी प्याला हाथ च लैके पीण की तैयारी सी। वो कहिंदा देख भी पै रहा ये तू वस्तु की पी रहा है, आ देख मेरी हालत, मेरे को भी किसी आदमी ने तारीफ करी सी, मैं इन्हू पीता तद मेरी ये हालत हुई पी है। क्योंकि मन आपका हथियार हाथ से जान नहीं दिता, टाइम हाथ से नहीं जान दिता गा, देखिया दिल से अभाव आया तो हो ये तो एवं मैं वक्त जाया किया, मेरी अगर ये हालत होगी तो कितनी बुरी होगी। कहते भी उन्हें हाथ के आता प्याला छड़ दिता, हाथ में आया प्याला मूँह नू नहीं ला सकया उत्थे छड़ दिता। तो संत वजीदा कहता है शाह सिकंदर ढूंढे आप हजात में विच पहाड़ा फिरदा दिन ते रात में, फिर ना पीता प्याला अपने दस्त पर, वजीदा कौन कहे साहब नू इंज नी इंज कर। हुण उहनू कौन कहे भी, तो बादशाह सीगा, इह तां एक मसाल है बादशाह दी। तो असी भी परमात्मा ने सारियां जूनां दे विच बादशाह बना के सरदार बना के भेजिया होया है। अबर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सरदारी। तो आ वक्त इंसान का जामा जो अमुल जामा परमात्मा ने दिता है, सानू बादशाह बना के भेजा है, तो असी भी शाह सिकंदर की तरह या तो सत्संग की तरफ नहीं आते, या नाम की तरफ नहीं आते। जे नाम ले लिया तो असी कहने हाँ कर लाँगे कमाई, या रात बड़ी है या दिने करांगे। तो अजकल करद्या करद्या असी आपका शाह सिकंदर की तरह के टाइम न हाथ चो कढ रहे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि भई जिस तुसी अमृत की खातर, नाम की खातर, पानी की खातर संसार में आए हो, वो कितने मिलेगा, किसी समाज चो नहीं मिलता गा, वो किसी धन दौलत ना नहीं मिलता गा, कोई जोर ना नहीं मिलता गा। किसी ऐसे महात्मा को ले जाओ जो पहुंचया है, जो जुड़िया हुआ है, वो थानू जोड़ देगा जी। जिस जल नीत कारण तुम जाग आए, सो अमृत गुर पाई जियो, छोड़ो विष पीख चतुराई, कहते हुण उस जल नूं पाउण वास्ते, पानी नूं पाउण वास्ते, अमृत नूं पाउण वास्ते तुसीं किस चीज़ नूं छड्डणा है। शरीर आत्मा का एक कोड़ा है, इस ते तुसीं चिट्टा कपड़ा पा लो,
मैला पा लो, किसे रंग वाला पा लो, कपड़े का आत्मा दे नाल ना कुछ विगड़ता ना कुछ सवरदा ही है। कहिंदे वेश छड़ दो, इन्हां दे विच परमात्मा धारण करन दे नाल नहीं मिलेगा, चतराई छड़ दो। असीं दुनिया नूं तां धोखा दे लैंदे हैं, अपने आप में भी दे लेने हैं, लेकिन जो साढ़े अंदर बैठा है वो प्रभु परमात्मा वो धोखा नहीं खाता। कबीर साहब ने कहा, राम चरोखे बैठ के सबका चारा ले, जाकी जैसी चाकरी ता को तैसा दे। उन्हूं किसी गवाह की लोड़ नहीं, किसी शहादत की लोड़ नहीं। बेशक असी अपनी चतराई करके किन्ना भी क्यों ना कह दिए कि भी वो देखता नहीं था, कौन देख रहा नहीं प्यारे हो, वो थोड़ी हर हरकत में। गुरु नानक ने कहा, वो बिना वेख्या बिना बोलिया थोड़े अंदर बैठा जानता है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस पर करी अरदास की दे के तुसी बेनतियां कर लगे हो, तो पहला का जानता है। सो इस वास्ते गुरु नानक कहते, भुला जे कोई भुलिया होवे तो उन्हें समझाउण जाइए, वो परमात्मा वो अभुल है, जिहदे विच प्रगट है वो भी अभुल है, वो भी जीवन नाम दे के अपनी आत्मा नूं भुलदा नहीं गा। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है, दुबदा छड्ड दिओ, दुबदा विच दोदे गए माया मिली नाम जी। छोड़ो वेश भीख चतुराई, दुर्दा के फल नाही जियो, मन रे फिर रो मत कत जाही जियो, मन रे प्यार ना कहते हैं, मंथ तंथ सुरत नृत फिर हो, जब यह चीजा साड़ियाँ फिर हो जाए हैं तो परमात्मा सत दूर नहीं था। मैं दसदा हूं अपना मिलटरी का वाकया कि जब वह गन चलाउणी दसते हैं सब तो पहला कहते हैं वजन और टारगेट और गन इको ही लैन हो गए। टारगेट के सेंटर विच जिसनों गुलजरी बोलते हैं चिट्टा निशान लग्या हुंदा है और अपनी सिसको के बीच में मिला दो तो फिर ऐस का बदन ना हिले, थोड़ा गन ना हिले, उसके ट्रैक्टर को तुम दबाओ ट्रैगर में, थोड़ा निशान सही जाएगा। साड़ी ये खुद ही प्रैक्टिस की है कि अंगूठे जिन्हें थां विच पांच पांच निशान ला देने, एक अंगूठे जिन्हें निशान विच तुसी देख लो एक फौजी आदमी का एक कर्तव्य हुंदा है। तो इस तरह ही संत दसते हैं नामदान के वक्त कि अगर तुसी पले पले दुनिया दी गल्लां सोचोगे तो थोड़ा जिहड़ा मन वो थिर नहीं गा। जो पले पले बैठिया कदे खुर कर ली, कदे ऐ झाग ले, कदे उठ के तुर पे, तो थोड़ा तन भी थिर नहीं गा। जो तन ना थिर होएगा, मन ना थिर होएगा, तो थोड़ी सुरत जो शब्द रस लेना चाहती है वो किस तरह थिर होएगी भाई। जे जे बैठे हो जो उठ खड़ोगे जरूर घड़ी वेख के कह दोगे जी असी घंटा या दो घंटे ला ले जी। मन फिर रो मत कत जाई जियो, मन रे फिर रो मत कत जाई जियो, बाहर ढूंढत
बहुत दुख पावे, करे अमृत कट माही जियो। प्यारे संतां दा सारयां दा अपना जाति तजर्बा हुंदा है। बारा सावण ने कहा मैं 22 साल खो गया। बाबा जैमल सिंह ने पूर्व तो पश्चिम तक यात्रा की। जब स्वामी जी पास गए तो उन्होंने घट विच ही वह प्रभु परमात्मा नाल जोड़ दिता। इस तरह महाराज कृपाल मैं दसदा ना, बेशक बर्तन बने बनाए आते हैं पर फिर भी दुनिया के पूर्ण होंगे नजर आते हैं। बड़ी खोज करते रहे, महात्मा मिलते रहे, जंगल में शेर भी मिल जाता है। मैं अपने मुताबिक दसदा हूं कि मैं काफ़ी समाजों में मैं बचपन तो ही खुले दिमाग का सीगा। मैं कदे मंदिर मस्जिद शिवद्वाले अंदर गुरुद्वारे अंदर कदे फर्क नहीं रखा सीगा। खुले दिल ना मैं महात्मा के पास जाता रहा है। बड़े प्यार ना, सेवा ना, सेवा करके पूछता रहा है। मैं दसदा हूं कि मैं किसी की कदे निंदा नहीं की, ना मैं निंदा में विश्वास ही रखा है। और यह भी मैं दसदा सा कि जो किसी को मैंने जरूर उन्हें दिता, लेकिन मैं प्यार ना जो जवाब दे देना है कि असी ये जी चीज़ की तू तलाश है असी दे नहीं सकते, ये भी कोई देने तो घट नहीं होंगे था। लेकिन किसी की आत्मा का घात करना, क्योंकि अब प्रचारक युग है, सानू पता है धुआंधार प्रचार हो रहा है, कथनी है करनी नहीं। अगर सचमुच करनी हो तो फिर आज झगड़े क्यों हो गए? साढ़े तो झगड़े दिन रात हो रहे हैं। तू सिर कसिया है, तू नड़ी मार है, मैं सच्चा है, तू झूठा है, दिन रात यह साढ़े विच फसी हुई है। सो इस वास्ते आप कहते वो थोड़े घट विच है जी, थोनू तलाश है, तो बाहर ढूंढना की मिलेगा भी। पलटू साहब ने कहा कि मैं सत्तां पुरियां च गया, चौहां तामां विच गया, जिथे गया पत्थर या पानी। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, करे अमृत कट माही जियो। आवे गुण छोड़ गुणा को तावो, करे आवे गुण पछताई जियो। कहन लगे गुण ग्रहण करने की आदत पाओ, किसी के ऐब ना कट्ठे करो, गुण कट्ठे करो। संतां दी आदत हुंदी है, उन्हें विवेक बुद्धि हुंदी है, जिथे भी जाणगे गुण ग्रहण करनगे। पलटू साहब ने भी कहा तुझे पराए क्या पढ़ी तू अपनी बड़ी नवेड़। असी लोकां कनी देख देख के अपना मन काला करते हैं कि ये जी पापी है, ये माड़ा है, ये ऐसा है। कबीर साहब ने कहा कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियां दे पास, जो करे सो करे तू क्यों पाया उदास। असि क्यों दुनिया के ठेकेदार बनते हैं बी? इनाम देना सजा देनी वह परमात्मा के अपने हाथ में है। इस वास्ते गुरु नानक साहब कहते हैं वो समर्थन ता ही पा सकोगे प्यारे हो कि इन्होंने चीजों तुम छो अवगुण है उन छड़ दो, पछोतावा करो। लेकिन सच्चा पछोतावा सिर्फ असं अंदर जाके ही कर सकते हैं। दयालु गुरु महाराज सावन सिंह एक दफा अपने बीमारी के दिनों में महाराज कृपाल को कहन लगे वे शब्द सुना स्वामी जी का।
जब शब्द सुनावण लगे, शब्द ए क्या गुरु में गुना गारा तारी, उस शब्द के अंदर सिख अपनी नलेकी ही गुरु दे अगे रोंदा है। तुसी देख लो, वो कुल मालक संसार विच आया महाराज सावण, अज भी लोग अगवाही देंदे है कि साड़ी वो संभाल करता है, लेकिन आज के गुरु के दरबार में एक गुनाहगार होकर खड़ गया है। भी हरेक बंदे की ताकत, मैं सदा ही कहना होना कि मैं तिल तिल का अपराधी तेरा, रती रती का चोर, मैं तेरा तिल तिल का अपराधी है, रती रती का मैं चोर है, पल पल का मैं गुण गुण ही भरिया, बख्शी है गुण मोर, तो मेरे अवगुण बख्श दे। सच्ची निम्रता जिहड़े अंदर जाते हैं उन्हां विच ही है, ये विखावे की निम्रता साडे दुनियादारां विच है। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे, जो लोग ऐब करके कहिंदे है यही तां करिया ही कुछ नहीं गा, वो कहिंदे एक गुनाह होर करदे है, हुण कौन बख्शेगा भी। गुनाह ना होण फिर भी इंसान कह के हे सच्चे पातशाह मैनू बख्श। महाराज कृपाल का वाकया है कि किस तरह वो अपने गुरु का हुक्म बजाते सीगे, उन्होंने सत्संग का हुक्म सी, उन्हों का लड़का 17-18 साल का सी, वो बीमार सीगा, और महाराज सावण सिंह लाहौर गए अपने दंदा का इलाज कराने वास्ते डॉक्टर के पास। इन्हों पता लग्या उधर गुरु का हुक्म भी जरूरी सी, सत्संग जरूर करना है, सत्संग किया, दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास गए, महाराज जी जा चुके सन। दिल च ख्याल आया भी चलो डेरे जाके दर्शन कर आने हैं, इधर आए, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा लड़का पता नहीं किहड़े वेले दम तोड़ जाए, तुसी हुण छुट्टी लै लो दफ्तर चो। कहिंदे दिल दे अंदरों फैसला होया भी इह तां जो कुछ है महाराज के हाथ में है, इहदी जिंदगी वधाउणी जां घटाउणी, मैं इत्थे की कर लूं। चलो दर्शन करे आईए, आए दुपहरा सी, दिन दा 2 बजे सी डेरे पहुंचे, अग्गे दिलानियां जानण वाले सन, उन्हां ने उपर बुला लिया, लेटे हुए सन, आराम कर रहे सन, खाना खा के बुला लिया, हाँ भाई दस। वो कहने लगे भी मैं कोई अवग्या कर बैठा, दर्शना तो रह गया। वो कहने नहीं नहीं सत्संग का करना जरूरी सीगा। फिर सब तो पहला उहदे बच्चों का हाल पूछा कि सेवक नाले वीजदी होवे, उहदे दिल च नहीं खुड़केगी अगर सच्चा है भी इन्हां ने मेरे बच्चों का हाल पूछा है, इन्हां नूं पता है। उन्होंने दसी सारी हालत कि जी उहदा तुहाडे हाथ विच ही है, इस तरह डॉक्टर ने कहा सी। महाराज सावण सिंह बड़े उदास होकर बैठ गए, तो महाराज कृपाल कहने लगे जी तुसी इन्ने उदास होकर क्यों बैठ गए हैं। वह आदे देख भी कृपाल सिंह तू आपका वजन सिर तो चुक के मेरे से सिट दिता है। अगर जो सेवक के अंदर यह चीज है तो गुरु नूं फिक्र है, लेकिन असं दिलों च कंघी मार गए इन्ने किन्ने के सिख निकलणगे भाई। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं चतराई छड़ दो, अवगुण छड़ दो, कोई कसूर है तो माफी मांग लो जी। आवे गुण छोड़ गुणा को तावो, करे आवे गुण पछताई जियो, सारे अप सारे की सारे न जाने, फिर
बीच बुढ़ाई जियो। अंतर मैल लोभ बहुत उठे, बाहर नावो काही जियो। अंदर लोभ भी काम क्रोधी मैल लगी है, पूरी सफाई इसी पानिया के नाल तीर्थां दे जाके करते हैं जी। अंतर मैल लोभ बहुत उठे, बाहर नावो काही जियो। निर्मल नाम जपो सादे गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ते आगो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। निंदा छड़ दो, लोभ छड़ दो, जो रास्ता तुहानू संतां ने बताया उस ते चलो। निंदिया सब तो वड्डा पाप है। महाराज सावन सिंह कहिंदे जे लजित गुनाह है तो वह निंदिया ही है। हर चीज किसे कोई खट्टी होगी कोई मिठी होगी, लेकिन निंदिया ना खट्टी ना मिठी, जिहड़ी कि इंसान का पिछा नहीं छड़दी। दिन रात असीं लगे पए हैं मैल धोण दूसरे दी जी। पर हर लोभ निंदा कूड़ते आगो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। जो पावे त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। गुरु नानक देव जी ने एक थोड़ी ही लाइनों में सानू प्यार नाल समझा दिता कि इंसान का जन्म कितना कीमती है, ये परमात्मा ने एक तोहफा दिता है और ये इस वास्ते दिता है कि असी ये बैठ के भगती करिए। जो होर जन्म काम नहीं कर सकते वो परमात्मा के नाल मिलाप कर सकते हैं। सो इस नूं असीं किस तरह लेखे विच ला सकते हैं, किसे पहुंचे हुए महात्मा के पास जाके असीं शब्द नाम का दान लेके असीं कमाई करनी है। सो गुरु साहिब कहिंदे है हे परमात्मा मैं तेरी शरण विच आया है, हे गुरुदेव मैं तेरी शरण विच आया है, हुण तैनूं जिवें भावे उवें तूं रख, भुखा रख नंगा रख, कपड़ा दे ना दे रुखा दे सुखा दे, मैं उस नूं खा के गुजार कर लांगा, लेकिन आपकी भगती का दान मैनूं दिंदा है। सो सानू भी चाहिदा है कि जो कुछ असीं दिन रात सुनते हैं इस पर अमल करिए, अपने जीवन में पवित्र बनाइए, परमात्मा ने जो मौका सानू दिता है इसका पूरा फायदा उठाइए। जो पावे त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही।